एक बहुत बड़ा मसला बन गया। अब ये देखिए सारे इसको कवर कर रहे हैं ताकि हमारा सेटअप वगैरह खराब ना हो। निकाह हमारे में निकाह के वक्त लड़के वालों की तरफ से निकाह का दुपट्टा होता है, वो हम देंगे। हर किसी के साथ होता है, वैसे नहीं हमारी फैमिली में है। दिन शगना द चढ़िया आओ सखियों ने बेड़ा तरफ से आपका बाप को बहुत बहुत मुबारक हो। हम आ गए थे, खाना शाना खा लिया था, लेकिन शूट बहुत करा लिया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। कल का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कल हमारी ढोलकी थी और आज हमारा निकाह है इंशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेसिकली मैं रात को जल्दी चला गया था ढोलकी से, मैं बहुत थक गया हुआ था, मैं जाके सो गया था और अभी मैं आया हूँ। सुबह उठ के जल्दी उठ गया था, मैं डेकोरेशन वगैरह देखने आया हूँ कि सेटअप वगैरह कैसा हो रहा है। तो बेसिकली ये अभी तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं, अभी सारी डेकोर हो रहा है सारा, ये अभी सारी चीज़ें डेकोर होनी है। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला बन गया, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, बादल आ रहे हैं। एक साइड ये सारी क्लियर है लेकिन यहाँ पर सारे बादल आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। तो अब डर लग रहा है बारिश ना हो जाए। वेदर फोरकास्ट पे सब कुछ क्लियर है, सब कुछ चेक भी किया था, लेकिन नेचर को हम कैसे रोक सकते हैं? अब देखते हैं क्या होता है, अल्लाह करे बारिश ना हो। अब ये देखिए सारा इसको कवर कर रहे हैं ताकि हमारा सेटअप वगैरह ख़राब ना हो। अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ था, बस थोड़ा सा रह गया सेटअप, तो वो एक दो घंटे में कम्प्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। बस दुआ यही करें कि बारिश ना हो। इकरा तैयार हो रही है अभी, उसको नहीं आइडिया, ना मैंने उसको बताया ये चीज़, वरना वो परेशान हो जाएगी। अभी अगर बारिश हुई इस सारे को नीचे शिफ्ट कर देंगे इनडोर में। अभी चलते हैं जाके तैयार होते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। अल्लाह करे, मैं तो ये दुआ करूँ कि बारिश वगैरह ना हो। तो गाइस एकदम से बादल अब गायब हो गए हैं और एकदम से सारी धुंध आ गई यहाँ पे, ये देखें ये सारी धुंध आ गई यहाँ पे। इधर का मौसम समझ नहीं आ रहा मुझे, वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा है कि प्योर सनी डे है लेकिन अब पूरा धुंधला हो गया है और हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, बारिश हो रही है। बस यार इतनी रहे, ज़्यादा ना हो। बस ये भी तकरीबन पूरा कवर हो गया है, वहाँ पर फैमिली वगैरह नाश्ता कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से जाते हैं, फिर तैयार वगैरह होते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे खड़ा भी इसलिए हूँ कि देखूँगा कि मसला हो तो उसको हम हैंडल कर सकें और जल्दी से उसको शिफ्ट करवा सके नीचे। सो गाइस बारिश थोड़ी सी तेज़ स्टार्ट हो गई है, अब बस यही दुआ कर रहे हैं इससे ज़्यादा ना हो, बस इससे कम ही हो जाए या ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह, अब देखें क्या होता है। तो गाइस बारिश तो अभी बस वही स्पीड से चल रही है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि देखते हैं क्या सीन होता है। बाकी यहाँ पर अभी नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, सारी फैमिली वगैरह आ गई है। इकरा की फैमिली उधर ही है क्योंकि उन लोगों का सारे तैयार वगैरह हो रहे हैं। लड़कियाँ आपको पता है ज़्यादा तैयार वगैरह में टाइम लगाती हैं, तो हम लोग यहाँ पे आके नाश्ता करेंगे, वापस जाएंगे, फिर यहाँ जाके तैयार होंगे। बारिश जो है वो थोड़ी सी बीच में तेज़ होती है, फिर स्लो होती है, टेंशन हो रही है इकरा ना देखे, वरना उसको ज़्यादा टेंशन हो जानी है। उसे सब कुछ बोल देना, उसको ये टेंशन होने लग जानी है। ये देखिए जी डूबी साहब, दवाएँ मांगो कुछ अल्लाह से कि बारिश ना हो, आप यहाँ पर नाश्ते कर रहे हो। मांग ली दुआ, मांग लिए दुआ नहीं होगी बारिश, ठीक है? दुआ मांग लिए। सो गाइस वहाँ पे सारे बादल ख़त्म हो गए हैं लेकिन बारिश नहीं रुक रही, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मोस्टली जो बादल हैं सब क्लियर हो गए हैं वो, लेकिन हल्की की बारिश है। अब मैंने बात की फोरकास्ट वगैरह देखा है तो कह रहे हैं कि रुक जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो गाइस अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बारिश रुक गई है, मौसम साफ हो गया है, बस ये सूरज भी निकला है, हल्के से बादल हैं और उम्मीद है कि ये भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और बारिश रुक गई। अल्लाह का बहुत शुक्र है, इकरा का शुक्र है, पता नहीं चला 12 बज गए हैं और मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ, फ़ोन आना शुरू हो गया। जल्दी से जाते हैं, तैयार होते हैं, फिर आपके पास आते हो। तक सो गाइस कपड़े वगैरह मैंने पहन लिए थे, अब बस तैयार शाम लगे, भाई आए हुए हैं, ये तैयार करेंगे, बाल छाल बनाएंगे, इकरा ने भेजा स्पेशल इनको, तो फिर ये ड्रेस करेंगे, हमें स्टाइल करेंगे, फिर देखते हैं कैसा हम तैयार होते हैं। सो गाइस फाइनली तैयार हो गए हैं, ये मेरी है फुल लुक, ये फुल लुक है, अब जाते हैं इकरा को देखते हैं और इकरा को अपनी फुल लुक दिखाते हैं, उसके रिएक्शन लेते हैं, चलाएं। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं, अब मैं नहीं जा रहा बेसिकली, मुझे मना हो गया है, मेरी भाभी और मेरी आपी जाएंगी, ये इकरा का दुपट्टा लेके ये उसके सर पे देते हैं। अभी क्या रस्म होती है ऐसे? निकाह हमारे में निकाह के वक्त लड़के वालों की तरफ से निकाह का दुपट्टा होता है, वो हम देंगे। हर किसी के साथ होता है, वैसे नहीं हमारी फैमिली में है, हम लोग करते हैं, तो अब ये करेंगे, इसको देंगे और साथ हम उसको मुंह मीठा करवाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस अभी जाते हैं वो करवाते हैं, फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं इकरा को देखूंगा और वो मुझे देखेगी। और ये हमारा छोटा लाड़ा तैयार हो गया है। ओए अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, ये इकरा ने इसको देख के ज्यादा खुश होना। सब फैमिली वाले गए इकरा के लिए चीजें वगैरह लेके, दुपट्टा लेके, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, बाकी सब ऊपर गए हैं। अब थोड़ा मुझे बेसिकली अजीब सा फील हो रहा है, यानी कि प्रेशर फील हो रहा है, मे बी ये नेचुरल है, तो भी जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, और ऑब्वियसली मुझे अपने पेरेंट्स बहुत याद आ रहे हैं, तो बस चलते हैं अब। सो गाइस हम लोग आ गए हैं, मैं बैठ गया हूँ, इकरा का वेट हो रहा है, मेरी साथ वाली चेयर खाली है, देख सकते हैं आप, और ये हमारा डोर है, वो तैयार लग रहा है इकरा, और ट्रीप का निकाह चल रहा है, तो अभी इकरा आती है तो उसकी एंट्रेंस दिखाते हैं और फिर आपको। I'm gonna make you mine.
तो रीप भाई आपका आज का कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है आपकी? ब्रो मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, नहीं कर रहा था लेकिन आप बहुत ज्यादा नर्वस हो गया, लेकिन शगना दड़िया आओ सखियों बेड़ा सजया तेरा सजना मिलया सजना मिलन वधाइया الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن والصلاة والسلام على خير الخلائق بعد الأنبياء والمرسلين طرف سے آپ کا بات کو بہت بہت تو کہا ہو گیا ہمارا ماشاء اللہ آپ جا رہے ہیں اتنا کو ملنے اتنا کو دیکھتے ہیں ککڑ بنے رہتے چٹا ککڑ بنے رہتے کاسنی دوپٹے والی منڈا صدقے تیرے تھے کاسنی دوپٹے والی منڈا صدقے تیرے تھے تو گائز آئے ہیں آپ کو میں ملاتا ہوں اپنی اوفیشل بیگم سے اوفیشل بیگم سے ہائے کیسی ہے آپ کی اوفیشل بیگم بس اوکے ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ دنیا کی سب سے پیاری بیگم ہے میری एक ही है और वही प्यारी है। कितनी देर शूट करवाएंगे आज आप मुझसे? आज तो मैं भी नहीं करवा रही हूँ, आज तो मैं भी चाह रही हूँ बैठ जाऊँ अपने हस्बैंड के साथ। इंशाल्लाह बस अभी चलते हैं और फिर बैठते हैं। सो गाइस ये शूट है जो कि 5 साल चलेगा, ये इतना लंबा शूट है और अभी हम यहाँ पे शूट करवा रहे हैं और वहाँ पे अरूब आ गई है, साथ की आँख से कोई इन्फेक्शन हो गया था तो इस वजह से वो भी आ रहा है, थोड़ा लेट हो गया, डॉक्टर पे गया हुआ था, अगर अल्लाह का वो ठीक है। बाकी इनका भी शूट हो रहा है, यहाँ भी शूट हो रहा है और अभी नीचे सारा खाना खोल गया, नीचे लोग गए हैं खाना खाने, वहाँ पे भी जाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। सो गाइस हमारा आखिर का शूट खत्म हो गया, अब मैं और इकरा जा रहे हैं खाना खाने, वो तबीयत खराब हो रही है, इकरा भी आ रही है यहाँ पे, अब बस जाते हैं नीचे और नीचे जाके खाना खाते हैं। तो दुल्हन जी आ जाएं, आपका अपना व्लॉग बना लें, आज भूल गई हो ना आज अपना? हाँ आप मेरे फोन में, मैं फोन की बैटरी लोगी, इतना सुबह से बना लो, सब कुछ लोगों को दिखाया मैंने सब कुछ। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपकी बीवी बनके? इतना अच्छा लग रहा है, खुशी दिली नहीं। वैसे जब साइन करते वक्त कुछ हुआ था? साइन करते वक्त नहीं, लेकिन जब कबूला मतलब जब पापा ने कहा कि आई एम हैंडिंग ओवर माय डॉटर टू मिस्टर रवि परवेज, तब दिल ऐसे हुआ एकदम से, जब वो जिस बात में बहुत रोई लेकिन इतना कंट्रोल करके रोई कि मेरा मेकअप ना खराब हो, मैंने एक पिक्चर नहीं ली। चलो आप खाना खाना खाएं, खाना लग गया हमारा, हमारा खाना खाते हैं। का मेन्यू दिखाते हैं पहले, खाना का मेन्यू दिखाएं, ये वो आप तुम दिखाओ, तेरा लोग मिस कर रहे हैं। मैं आ चुकी थी बेस्ट व्लॉगर मिलान में, ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मीठे में है फ्रूट ट्राइफल, जलेबी और सैलड वैलड, नहीं ये मीठे में नहीं है, ये सैलड है, और वहाँ पे अरीब साहब को जो है ना वो मुबारकबादें मिल रही हैं। हमको ज़रा प्लेट खोल खोल के दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें, आप बोलेंगे काबली पुलाव, देयर इज अ बटन चिकन, दाल मखनी, चपली कबाब, मलाई बोटी नान। अरीब आपने क्या खाना है? खुशी में से नहीं खाया जाना, भूख आपको बहुत लगी है, मुझे भी बहुत। अरे अब आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएं, दाल मखनी खाऊं और एक चपली कबाब खाऊंगी, टेस्ट में सब कुछ करूंगी क्योंकि नर्वसनेस से भूख उड़ जाती है। वैसे मैं बेसिकली इमोशनल था, अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहा था, जनरली मैं यानी कि पता नहीं क्यों उस टाइम मुझे बहुत रोना आ रहा था। वो एक होता है ना, पेरेंट्स आपके साथ होते हैं गाइस, मैं आपको बता दूं आप लोगों ने दुआ करनी है अरीब के पेरेंट्स के लिए, मतलब मेरी अम्मी और मेरे अब्बू जो अल्लाह पाक की मगफरत करे। अब हम लोग जो है ना, तो यार ये ड्रिंक्स भी है चार टाइप की, वो देखिए ये कौन कौन सी हैं गाइस, खटिया मैंगो जूस एंड पीच आइस टी है, ठीक है, इसकी खटिया नहीं है, ठीक है, मैं भी मजाक कर रहे थे। सो गाइस साथ और रूम ने हमें ज्वाइन कर लिया इतनी देर बाद, सबसे पहले तो बोबो मुबारक हो यार आपको, मुबारक है, मुबारक। दूसरी चीज बोबो सॉरी, नहीं 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 आई स्वेयर टू गॉड
दिस वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, ये मेरी आंखों में ना इन्फेक्शन हो गया। मैंने बताया, मैंने लोगों को बताया था कि मसला हो गया था, तो कोई बात नहीं, टोटल अनएक्सपेक्टेड, जिसकी वजह से जो है ना मैं लेट हो गया। और मुझे मैं अरूप को कह रहा हूँ, अरूप हमने इनका निकाल, देखना, लेकिन वो मिस हो गया। लेकिन चलो आपकी वीडियो में देखेंगे अब। कोई बात नहीं, आप आए हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब खाना शाना खाएं स्कूल से, तो फिर करते हैं बस चले अब। ओके ओके ओके, वीडियो ये भी कह रही है फिर से, चलो माननी पड़ती है ना। वहाँ पे साथ और अरूप का शूट हो रहा है, अरूप करवा लिया शूट। सो गाइस, हमारा शूट वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है, हमारा डिकोर वगैरह सब ये अब उतरने लगा है और अब सिर्फ पैकअप हो रहा है। अब मैं और इकनसी जा रहे हैं, सारे इंसी चले गए थे, साथ वगैरह भी गए हैं उधर, अभी चेंज वगैरह करेंगे तो फिर हम जाते हैं उनके पास, फिर मिलते हैं। सो गाइस, हम लोग हो गए हैं फ्री शूट से, हम लोग विला में आ गए थे, खाना शाना खा लिया था, खाना बहुत मजे का था। विला में आ गए थे, खाना शाना खा लिया था, लेकिन शूट बहुत करा लिया था। यू पीपल कैन वॉच आवर शूट ऑन इंस्टाग्राम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा काम वगैरह, चीज़ें वगैरह बहुत अच्छी लगी होंगी और वो मज़ा आया होगा, इवेंट हमारा बहुत अच्छा गया माशाल्लाह। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक बात बताई नहीं, क्या सुबह के टाइम बारिश आ गई थी, इतनी तेज बारिश आ गई थी और मैं इतना परेशान हो रहा था उस टाइम, मैं दुआएं मांग रहा था कि अल्लाह करे बारिश ना हो। यहाँ पे ऐसा ही होता है। और मैंने आप जैसे आपको बताया था कि मेरा ड्रेस मैंने नहीं पता था कैसे हैं, किस क्या कौन से कलर के किस तरह के हैं, इकरा ने सेलेक्ट किए हैं, तो ये आज का ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अपने से ज्यादा मुझे इकरा का ड्रेस लगा। माशाल्लाह, चलो वाह वाह, इकरा का ड्रेस बहुत प्यारा था, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो इस व्लॉग को यहाँ पे खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का, अब तो मेरी ऑफिशियल बेगम हो गई है ना, तो आप प्लीज मेरे साथ खत्म करें व्लॉग। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको आज व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज अरीब के अंदाज़े मैं करूंगी। बाय 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 बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।